आप खुद साईं। इस वक्त चले जाओ नेरे च रौला पाता कला मैनू फालच हो गया वो मैनू फालच हो गया वो गौर ना वेखिया ते इको पौचे च दो महीने लत्तां फसाईया चलो उधर Excuse me. जाओ अपने बाल साहब ना गए ताया जी फिल्म वेखन उत्थे सुल्तान अली साहब ने कहा ओ किधर आया चबला कहना अब्बा लैके आया इधर कहां जा रहे हो Excuse me. बाहर की तरफ चलो Excuse me. बात सुनो What happened? क्या अब एहसास हुआ कि खामद की क्या अहमियत होती है मेरी बात सुनो क्या तुम फजूल बातें करते रहते हो अजीब फजूल फारिग तरीन इंसान हो तुम व्हाट अब जरा खामद को तरसो पागल हो जाओगी दरख्तों पे नाम लिखोगी खून से खत लिखोगी अच्छा उताया जी हाँ जी वो मैं एक कुड़ी नू फोन नाल खत लिखेया अच्छा ओ नर्स सी उन्हें जवाब लिख के भेजता ओ पॉजिटिव अब जाते हो या नहीं अजीब की मेरी बात सुनो एक गरीब गुरबा इंसान मेरी बात सुनो कौन गरीब तुम और कौन गरीब ओ मैं करोड़ा रुपया लोगों को लेना वो किस तरह रुपया रुपया करके मैं गरीब हाँ तुम गरीब ओ मैं तो 70,000 दा एक बांदर ले आ ओह माय गॉड मैं 3500 दा बेचता सी क्यों ओयो पूछा रख के ऐसे के लाउन ला पे आ किसको कह रहे हो ओ ताया जी बाहर है नहीं अच्छा मुझे लगा जैसे मुझे कह रहे हो बिल्कुल तो आ गया ते तो अनुई हाँ लेकिन वो बाहर है ना ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਿਆ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਬਾਹਰ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖੀ ਐਨਕ ਲਾਈ ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਆ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਚਲੋ ਜਾਓ ਤੁਮ ਵੀ ਉਸਕੇ ਪਾਸ ਜਾਓ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਬਾਂਦਰ ਗਿਆ ਬਾਂਦਰ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਾਂਦਰ ਤੂੰ ਬਾਂਦਰ तू बांदर अच्छी बात है आ तू बांदर तो जाओ उसी के पास जाओ आ तू बांदर तुम ही बांदर अरे ताये जी इसको बिल्कुल तमीज बांदर है कहीं बांदर है नहीं हाँ ओ मैं से मैंने बहुत सस्ता बेचना पिया ताया जी क्यों भाई ओ है ना कमूचा ला बता का इतना महंगा ले आ सी बदतमीज आदमी मेरी बात सुनो तुम फजूल किस्म के इंसान हो मैं क्या मुझे क्यों देख रहे हो और तेनू पता ना कौन जो भी हो तुम और तेनू पता मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन क्या काम करते हो क्या बिजनेस करते हो तुम मैं आजकल ताजी चिंगची चला रहा हूँ अल्लाह ये कोई बहुत बड़ा बिजनेस है वो अच्छा मेरे हाथ था ना बड़ा कमाल हो यहाँ पे यहाँ पैसे कैसे वो मैंने रेस देनी नहीं पहनती वो आप ही चली जाना अरे चिंगची ये चिंगचियों की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक होती है हाँ ट्रैफिक का निजाम खराब किया इन चिंगचियों ने यार साईं मैं आके तू हाँ मैं ना हाँ मैं भी पागल चिंगची चलावा मैंने वहाँ कर लो वैसे मैं तेरे से ही हो गया ना अच्छा चलो हाँ जी मेरी बात सुनो निकालो अरे ताया जी खुद लेकर आए वो मेरी जान नहीं छोड़ा आप कह रहे बाय निकालो चिंगची कैसे तुम क्या करोगे चिंगची चलाकर गरीब गुरबा लोग उसमें बैठते हैं तुम्हारे क्या कौन कौन हो ए कोई आम चिंगची नहीं ऐसे तो बड़े अमीर बंदे बने क्यों तुम्हारे चिंगची को पर लगे हुए नहीं होते पर निकले हुए हैं कौन लोग बैठे कौन बैठे सारे सियासतदान बैठे हैं मियां साहब बैठे हैं मियां नवाज शरीफ मियां नवाज शरीफ साहब बैठे हैं अच्छा अब मेरे को गलती हो गई क्या उताया जी सात छह सवारियां तो पहले बैठी हैं हाँ एक तो मेरे पीछे बैठी अच्छा वो मेरे को गलती हुई मैं मियां साहब ने बाता पिछली सीट से अच्छा वो या को चिंगची चुके आ गया ओ तुमने उन्हें मियां साहब ने लगे साथ फिर बहुत ही समझदार हो
शेख रशीद बैठे तुम्हारे चिंची में? शेख रशीद बैठे तुम्हारे चिंची में? बैठे तो जी शेख रशीद। फिर मैं डेढ़ घंटा सफर करके उन्होंने मंजिल से लाया। अच्छा, मैं शेख साहब मैनू पैसे दो। फिर कहिंदा पैसे ही देने होंदे ते शेख असी का दे। तुमने अपना ही नुकसान किया। अच्छा, कुछ नुकसान हुआ तो खैर थी। खैर मुझे बताओ, बिलावल बैठा तुम्हारे चिंची में? बिलावल? हाँ, वो जान दे हले सहेलियां ना खेडन दा टाइम आ, तू अच्छा जरदारी साहब को बिठा के पार्लियामेंट ही छोड़ाते तुम्हें ज्यादा पैसे मिल जाते। पार्लियामेंट? हाँ। जरदारी साहब? हाँ। उन्होंने ना लेके जाना। क्यों? जेड़ा उन्होंने पार्लियामेंट जांदा ना, हाँ, वो दुनिया ही छड़ जांदा। वो तो कातल भी नहीं लभदे फिर। ऐसे बातें बनी हुई है साया जी। ताई जी, इससे ये पूछें कि वो दूसरे मुल्क से आए थे वो जो मेहमान मोदी साहब, उनको भी बिठाया तुमने अपने चिंची में? मोदी? हाँ। चिंची से? हाँ। और जा काम कर। वो जेड़ा मुसलमान दा कातल होवे ऐसे कुत्ते नु ते कोल नहीं भाईदा, ते मैं उन्हें चिंची च मारा। सारी मेरी बात सुनो। अच्छा आप जाओ। किधर नु? घर जाओ। तुम खुडे च रह दे। अरे ये हमारा घर है, मेहमान आए हुए हमारे, प्लीज चले जाओ। अच्छा बात सुनो। हाँ। अब तो मैं बिजनेस मैन हूँ। माशाल्लाह। मौजूद मेहमानों के साथ मेरा भी मौजूदाना तारुफ होना चाहिए। पहले मुझे बताओ कौन से बिजनेस मैन हो तुम? चिंगची कौन चलाउंदे? चिंगची चलाने वाला बिजनेस मैन? माशाल्लाह, अब तुम्हारा तो तारुफ कराना ही पड़ेगा। कराना वधिया तारुफ। अच्छा तारुफ कराएंगे। नहीं तो चिंगची दे तीन टायर आ। तो मैं साई हां तो ते मेरे ते पर्चा भी नहीं होना। माफी दो, आप तुम्हारा तारुफ करा। सही तारुफ। हां हां, चलो नहीं तो थल्ले दे देंगे चिंगची। इसका अच्छा सा तारुफ मैं सर के साथ कराती हूं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत करम है अल्लाह का। ये है जी हमारे इलाके के बिजनेसमैन। ओहो, मैं बताऊं इनके बारे में? अब बताओ बताओ। ये सर बहुत ही पढ़े लिखे माशाल्लाह, इनके हुलिये की वजह से तो शायद लगता है कि नहीं पढ़े लिखे, और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। अगर आपको कोई भी बिजनेस इन्वेस्टमेंट करनी है तो प्लीज कर दें, वरना आपकी जेब काट लेंगे ये। मैं भी बड़ा मौजूद आदमी हूँ। अच्छा, वो आपको मेरे मलबूसात से पता चल गया होगा। सर मैं बहुत मौजूद, बहुत अमीर आदमी हूँ। अच्छा, मैनू विया दा इजी लोड करा दे। मैं परसों का फोन कर लूं। परंदिया किसको फोन करना है? तारुफ करा। तो सही तो बताया है कि तुम इतने बड़े बिजनेस मैन। हाँ नहीं, चेयरमैन है, बल्दियाती इलेक्शन लड़ा था इन्होंने। आजी आजी आजी, बहुत वोटों से हारे। हाँ जी, ताया जी जीत गया था। बंदा भी चंगा कीता, मैं बेचता बहुत चंगा ही हो रहा, मैं बेचता चंगा ही नहीं सी हूँ। मेरी बात सुनो, इतनी देर से आई, मैंने तुमसे पूछा ही नहीं। क्या धक्के खाओगे? चले तो हमारे फील ना कीजिएगा। ये घर में भी मेरे साथ ऐसा ही करती है। तो बदतमीज है, मैं इसके साथ नहीं बैठ सकती सर के सामने। मेरा तो उसे ताल्लुक ही कोई नहीं, मेरी बेटी है। तो मेनू तो दस मैं तो साई हाँ। अच्छा आप जाने का क्या लोगे? सर अगर इजाजत दो तो एक गल कर ला जी। जी, जी, जी। माफी ना सर, माफी। आप उस्ताद लोग हैं तो अभी जहन में आ रहा था, इना चिटा सेरा सर तुसी आटा छड़ के आए हो। जो पागल जमाने का है वो आप लोगों का वाकिफ है। मेरा नहीं, आपका वाकिफ है। मेरा वाकिफ कहाँ से आ गया? सारा दिन गलियों में फिरता है आपके तो साथ खेलता है। आपको जानते हैं, बंदर भी आपको कहा, आपको फर्क पड़ना चाहिए था। सर के सामने मेरा सारा इमेज ही खराब करके चला गया सर। मैं उसको नहीं, पहले तो वो आपको सबिया खानम साहबा समझ रहे थे। इतनी बेइज्जती मेरी। चलो अंदर। ऐसे भेजेंगे, आराम से कह देंगे। अच्छा बेटा जाओ जाओ, जाती हो या नहीं? नहीं जाना। लो एक जरूरी ऐलान सुनिए। मस्जिद में ऐलान हो रहा है? जिसको मर्जी कत्ल कर दे, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ सब बंदे हैं।
मौलवी साहब मस्जिद से इधर ही आ गए। अब आप हमारी जान खाएंगे? हुजूर मेहमान आए हुए, बूटे बूटे खुदा का वास्ता है, अपना ये स्पीकर कहीं और जाके इस्तेमाल करो। और कहीं नहीं चलता, यहीं चलता है। मेरे बच्चे ये सब तक मरते रहेंगे ये सब लोग। एक बात याद रखना, आज कातिल का पता लगे या ना लगे, दिन मैशर के एक दिन ऐसा होगा कि मरने वाले का हाथ होगा और हुक्मरानों का गिरेबान होगा। सुनो, मेरे ताया ने नहीं मारा, उनके पीछे ऐसे ही पड़ गए हो तुम, उनका कोई लेना देना अरे भी नहीं। बच्चे वो ये नहीं कह रहा, और ये नहीं, कौन है? ये मेरी बेटी है। रोज आते हो और यही पूछते हो ये कौन है? इधर ही रहती है ना? नहीं। जी हाँ, इधर ही रहती है। आप पीछे हट जाओ। अच्छा जी, ये हमारे पाकिस्तान में रहती हो? मैं तुम्हें नहीं जानती, आई एम सॉरी। सिर्फ इतना जान सकता हूँ आपसे, मैं तुम्हें जानती नहीं। ये पाकिस्तान का जो सदर है उसका नाम क्या है बताओ? नहीं पता चलेगा मुझे, क्या बताओ? इसलिए कि वो टीवी पे आते ही नहीं है, वो कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। कोई काम किया उसने? नहीं किया, सिर्फ अंदर बैठ के एक शेर का बच्चा पाल रहा है जो आने वाले 5 साल आपको खाएगा। समझदार हो तुम। मुझे नहीं पता ना आपको, मुझे नहीं पता। आप ताए की बेटी हैं। हाँ। तो आपको पता नहीं? अरे ममनून नाम है उनका, ममनून हुसैन। अच्छा, वो सदर है? लो, मैंने सुना था नाम, मैंने नाम सुना था। हाँ, हाँ। नहीं, वो पकौड़िया की दुकान है बाहर। अच्छा चलिए, आप सदर ही है तो मैंने क्या कसूर है? आराम से बैठिए, मेहमान आए हुए हैं। बस बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी दुआएं। अल्लाह आपको सेहत दे और तंदरुस्ती दे। आमीन। और दुआ करें कि अपनी ही मौत मरे आप। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रहे हो? ये पाकिस्तान में किसी की मुताजी नहीं होनी चाहिए। आपको पता ही है, एक्टर जितने भी दुनिया से गए हैं, कितने लोग थे जो मजबूर थे। जब मस्ताना साहब, ये स्टेज के एक्टर दुनिया से गए हैं, वो कितने मजबूर थे। जब बब्बू बराल साहब दुनिया से गए हैं, वो कितने मजबूर थे। एक बात उनकी बहुत अच्छी लगी मुझे। जी कौन सी? उन्होंने टीवी पे बैठ के कहा, वो साथ वाला बंदा पूछ रहा था कि आपकी मदद के लिए ये गवर्नमेंट आई है। उन्होंने कहा कि दुआ करें मेरी सेहत हो जाए, मैं मदद के लिए उनके जाऊंगा। वाह। लेकिन वो दुनिया से चले गए, मोइन अख्तर साहब। जी हाँ। अरे स्टेज के वो एक्टर हैं, घर में माँ की लाश पड़ी होती है, ये पब्लिक के सामने परफॉर्म कर रहे होते हैं। जी हाँ। इनका ख्याल करना चाहिए। अरे आप तो जानते ही होंगे, अल्लाह जन्नत नसीब करे रई साहब। जी हाँ। किसी चवल बंदे ने ऐसी, वो पता नहीं उसमें जेन ही नहीं था, उस बंदे को गोली मार दी, लाखों लोग बर्बाद होके घरों में बैठ गए। आज स्टूडियो वरान हो चुका है, बंद हो चुका है, फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो गई है पाकिस्तान की। अरे ये तो एक्टर की इज्जत है। ताया जी, आप हुमायूं जमील को जानते हैं? जी नहीं हुजूर। यार कितने पागल लोग हैं, वो मियां साहब के साथ होते हैं, मैट्रिक पास है, मैट्रिक पास। कहीं भी जाना होता है ना मियां साहब ने, तो वो उनके साथ सफर करते हैं, हुमायूं जमील साहब। हाँ, आपको पता है किस लिए? किस लिए? आपको पता ही नहीं, क्या बताऊं। इसलिए कि सिर्फ चापलूसी करने के लिए। अच्छा okay. अच्छा अच्छा। आप ओए रोड़ा ना मारिया, रोड़ा ना मारिया। तुम्हें क्या, तुम हमारे लिए पागल हुए हो? नहीं सर, आप क्यों डर गए?